दोस्तों वेलकम करता हूं टू रियल जॉब्स अपडेट पर। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर भर्ती आप उनको मालूम है कि आई हुई है, जिस पर पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले ही वीडियो बनाकर समझा दिया था कि ये वाली जो भर्ती है आ चुकी है, अब इस भर्ती पर अप्लाई शुरू हो चुका है। थोड़ी सी वेबसाइट मसला कर रही है, लेकिन मैं गुजारा करके किसी तरह वीडियो बना रहा हूँ, आप उनको समझा रहा हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मेरे भाइयों आप लोग ने यहाँ पर क्लिक करना है। ये ऐड आप लोग देख लें, अभी ओपन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोग ने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। फिर अगर आप लोगों का इंटरनेट ठीक हुआ, कोई मसला भी नहीं हुआ, तो ये जो फॉर्म है जल्दी जल्दी ओपन हो जाएगा। तो ये जैसे ही ओपन होगा फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ जी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आप लोग ठीक ठीक फिल करोगे। फिल करने के बाद क्या करना है फिर वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो चलते हैं, इसको फिल करते हैं, फिर आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो अब दोस्तों आप लोगों को ये फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर वीडियो गौर से देखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लास्ट वाली जगह भी लाजमी देखनी है। आप लोग पहले अप्लाई कर देते हो, फिर गलती कर बैठते हो, फिर आप लोगों को समझ नहीं आती। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम लिखना है। जो शनाख्ती कार्ड पर आप उनका नाम लिखा गया है वो नाम आप लोगों ने इधर देना है। बाद मेरे भाइयों आप लोगों ने यहाँ पर देना है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के बाद आप लोगों ने देना है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। ये आप लोग देख लें, डेट ऑफ बर्थ, उम्मीदवार का मोबाइल नंबर, वालिद का नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक देना है, वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर, वालिद का पेशा, वालिद क्या करते हैं, लेबरर है मतलब लेबर का काम करते हैं, टीचर हैं, शॉपकीपर हैं, जो उनका पेशा है वो यहाँ देना है। इसके बाद वालिद का आप लोगों ने यहाँ पर देना है मोबाइल नंबर, अपना मज़हब सेलेक्ट करना है जो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, अपना सूबा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, याद रखें हर जगह का यहाँ पर असामियाँ आई हुई हैं। ज़िला जहाँ पर आप लोग रहते हैं, ठीक है, जो जिस ज़िले में भी आप लोग रहते हैं वो आपने यहाँ पर देना है। इसके बाद मकान नंबर देना है, जो आप उनका मकान नंबर गांव में जो आप उनका पता हो वो यहाँ दे देना है। पोस्ट ऑफिस का एड्रेस आप लोगों ने इधर देना है, पोस्ट ऑफिस ये अहम पता है, इसी जगह पर आप लोगों को आर्मी वाले पोस्ट सेंड करेंगे अगर आप लोग सेलेक्ट होते हो डाक कुरियर वगैरह। अपनी तालीम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना मैट्रिक पर, नीचे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों की जो मैट्रिक है वो किस में है, ठीक है, मैंने बायोलॉजी, चलो कंप्यूटर कर देता हूँ अब मैं, और मैट्रिक में कितने नंबर हैं ये दोगे, हासिल करदा नंबर दोगे, इजाफी तालीम अगर आप लोगों के पास इंटरमीडिएट डीएई बीए या कुछ भी ज़्यादा तालीम है वो यहाँ पर जब क्लिक करोगे, जैसे कि इंटर पास हो तो नीचे ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी आप लोग फिल कर लोगे मैट्रिक की तरह। आपके पास मुजाकरा काबिलियत में कोई और है तो ऑप्शन है तो वो डाल सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी ये देख लें, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन मुंतखब करें, आपके वालिद पाक आर्मी में थे या नहीं थे, अगर थे तो आप लोग इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, अगर आर्मी में नहीं थे तो इस जगह पर नन पर एन ओ एन ई पर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। सारा को जब ठीक होगा सबमिट पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक स्लिप बनकर आ जाएगी, ठीक है। पहले तो आप लोग यहाँ पर इसको गौर से देख लेना, इस स्लिप में अगर गलती हुई ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है, अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म करने के बाद मेरा सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है, ये आप लोग देख भी सकते हैं, मेरा अप्लाई हो गया है, बस इतना सा काम है। जब आप लोगों का ये हो जाए समझ लें आप लोगों का अप्लाई हो गया है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग सबमिट कर लोगे, सबमिट करने के बाद आप लोग बैक आओगे, मैं आप लोगों को बैग लेकर चलता हूँ, दोबारा अप्लाई वाली जगह पर आप लोग आओगे। जिस दिन आप लोगों को मैसेज आए, जिस दिन आर्मी की तरफ से आप लोगों को मैसेज आए, आप लोगों की जो स्लिप होगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है, एग्ज़ाम स्लिप। तो यहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम वाली जगह पर क्लिक करोगे, एग्ज़ाम स्लिप पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये आप लोग देख सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आप लोग चेक भी कर सकोगे।
फ़िलहाल जो मैंने अपना अप्लाई किया है यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, आप लोगों को ये मैसेज लाजमी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वेट करोगे, यहाँ पर आप लोग चेक करते रहना है आप लोगों ने स्टेटस अपना और आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर जो भी डाटा दिया है यहाँ पर, ये आप लोग जो देख रहे हो तस्वीर, जो डाटा यहाँ पर दिया है उसको आप लोगों ने संभाल कर रखना है और मज़ीद अपडेट के लिए चैनल पर नज़र रखना है। मज़ीद मिलते हैं एक और जॉब अपडेट में।